नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंट टैबू जी का आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी ही कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों की बुरी तरीके से रूह कांप जाएगी। जी हां दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बिहार की राजधानी पटना की एक अंकिता नाम की लड़की की, जो कि शादीशुदा थी और उसकी दो बेटियां थी। दोस्तों अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कुछ घटित चीजें जब हमारे जीवन में याद आ जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें जिसे सोचने के बाद इंसान की रूह कांप जाती है। तो सोचिए उस वक्त का वो मंजर कैसा होता है इंसान की, जब रूह कांप जाती है बुरी तरीके से। एक बार की बात है, अंकिता की दो बेटियां थी। जो बड़ी बेटी थी, जिसकी उम्र करीब 14 साल की थी, वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, और मेरे साथ के जितने भी फ्रेंड्स हैं ये लोग सब घूमने जाती रहती हैं, तो मम्मी कहीं ऐसा करते हैं कि कहीं हिली एरिया से हम लोग घूमने चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। लेकिन अंकिता जैसे ही अपनी बेटी के मुंह से पिकनिक का नाम सुनती है, उसकी बुरी तरीके से रूह कांप जाती है। क्योंकि अंकिता को वो टाइम अब याद आ जाता है जब अंकिता 10th क्लास में थी, और जब अंकिता जिस स्कूल में पढ़ती थी, तो एक बार उस स्कूल में क्या होता है कि उसकी जो स्कूल की टीचर होती हैं वो पिकनिक बनाने का प्लान बनाती हैं, और पूरा स्कूल जो होता है वो पिकनिक बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अंकिता भी हाँ कर देती है, क्योंकि अंकिता की जो मैडम थी वो अंकिता से बहुत प्यार करती थी, कहीं ना कहीं अंकिता को उनसे बहुत लगाव था। तो अंकिता ये सब देखते हुए अंकिता मना नहीं करती। हालांकि अंकिता को ज्यादा घूमने फिरने का शौक नहीं हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद भी अंकिता पिकनिक जाने के लिए हाँ कर देती थी। उसके बाद क्या होता है कि जब 30 बसें स्कूल की तैयार होती हैं, और 30 बसें पूरी भरी होती हैं बच्चों से, उसके बाद अंकिता बस में अपनी सहेलियों के साथ में पीछे वाली सीट पर जाके बैठ जाती है। ये लोग रास्ते में खूब मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं, गाने गाते हुए जा रहे होते हैं, और काफी अच्छा सफर रहता है इनका। लेकिन रास्ते में एक सुनसान जंगल आता है, करीब रात के 1:30 बज रहे होते हैं, वो अचानक से एक बहुत ब्लास्ट की आवाज आती है, और बहुत बुरी तरीके से ये लोग सहम जाते हैं। तो ड्राइवर बस से नीचे उतर कर देखता है तो टायर बस्ट होता है। उसके बाद वो बस के अंदर चढ़ता है और इन लोगों से बोलता है कि पास में ही एक ढाबा है और आप लोग जाके वहां पे कुछ चाय वगैरह पी लीजिए, क्योंकि अभी टायर ठीक होने में करीब 2 घंटे का टाइम लगेगा, जब तक कि आप लोग फ्रेश हो लीजिए। ये लोग वैसा ही करते हैं, और उतरने के बाद थोड़ी सी दूर जाकर एक बुजुर्ग बाबा का ढाबा होता है। रात के करीब 1:30 बज रहे होते हैं, और ये ढाबा खुला हुआ देखकर ये लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वो 1:30 बजे के टाइम पे बाबा वहां पे चाय बना रहे होते हैं। तो जब ये लोग वहां पहुंचते हैं सब लोग, तब बाबा जी इनसे बोलते हैं कि बेटा कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लोगों की गाड़ियां खराब होती रहती हैं, तो मैंने आप लोगों की सुविधाओं के लिए यहाँ पे मैं जगता रहता हूँ, और ये मेरा ढाबा जो है ये खुला रहता है। खैर ये लोग वहां पर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद में चाय जो होती है वो ऑर्डर कर देते हैं। बाबा जी अपनी चाय बनाने लगते हैं इन सबके लिए, और ये लोग आपस में मस्ती कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। अचानक से क्या होता है कि अंकिता की नजर उस ढाबे की छत पर पड़ती है। होता क्या है कि इसको एक सफेद रंग की साड़ी में एक महिला, जिसका मुंह बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ होता है, तो अंकिता उसको देखकर घबरा जाती है। फिर अंकिता अपनी पलके नीचे कर सोचती है कि शायद हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, और अंकिता अपनी सहेलियों के साथ में बैठकर चाय पीने लगती है। दोबारा से जैसे अंकिता की ऊपर नजर पड़ती है, तो वो जो महिला होती है वो अंकिता को देखकर बहुत हंस रही होती है। अंकिता पूरी तरीके से सहम जाती है, यार कुछ नहीं। उसकी थोड़ी देर बाद जंगल में से चीखने की आवाज आती है, बहुत तेज चीखने की आवाज आती है, जिसको सारे बच्चे सुनते हैं और इनकी टीचर्स जो होती हैं वो भी सुनती हैं। तो जब सारे लोग ये आवाज सुन रहे होते हैं, तो सब बहुत बुरी तरीके से कांप जाते हैं। तो जो बाबा जी होते हैं वो कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। तो वो जो बुजुर्ग बाबा होते हैं वो चले जाते हैं, और सब लोग उन बाबा का इंतजार कर रहे होते हैं। तो अंकिता की जो मैडम होती है वो उन बच्चों से बोलती है कि आग जला लो, और एक गोले के दायरे में सब लोग आग के पास बैठ जाओ, और कोई भी कहीं नहीं जाएगा जब तक वो बुजुर्ग बाबा नहीं आ जाते। जब तक हम लोग सब साथ में हैं तब तक सुरक्षित हैं। ये लोग वही करते हैं, आग जलाते हैं, और सब एक गोले के दायरे में जाकर बैठ जाते हैं। आग बीच में जल रही होती है। 2 घंटे बाद वो बुजुर्ग बाबा आते हैं। उसी दौरान उसमें से एक बच्ची जो होती है उसको उल्टियां होने लगती है खून की, और उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है। तो बाबा जी वहां से घबराते जाते हैं। बाबा जी कहते हैं अगर कोई भी चिल्लाया तो हम में से आज कोई जीवित नहीं बचेगा, इसलिए खामोश रहना। इतनी देर में वो स्कूल का जो बस ड्राइवर होता है वो वहां पर आ जाता है, और कहता है कि गाड़ी का जो टायर है वो ठीक हो चुका है, अब लोग हम यहाँ से चलते हैं। ये लोग सब वहां से जाने लगते हैं, और खैर ईश्वर का ये लोग इनके सांसों में सांस आती है, और ईश्वर का ये शुक्रिया अदा करते हैं कि जान में जान आई और आज हमारी जान बची। खैर ये लोग बस में बैठते हैं और अपने पिकनिक पॉइंट स्पॉट पे ये लोग जाकर पहुंचते हैं, और एक हफ्ता वहां पर रुकते हैं। लेकिन ये लोग वहां पर किसी से कुछ भी जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी मैडम ने बोला होता है कि इस बात का कोई भी किसी से कोई जिक्र नहीं करेगा। जैसे ही अंकिता एक हफ्ते बाद अपने घर पर आती है, और आने के बाद में वो सबसे पहले जिसको भी वो मानती थी उनका शुक्रिया अदा करती है कि मैं आज सही सलामत हूँ। तो दोस्तों कई बार
जब हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी घटित हो जाती हैं जिसके बारे में हमारी सोचने से भी हमारी रूह कांपती है, तो सोचिए एक बार फिर से कि इंसान के लिए उस वक्त का वो मंजर कैसा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और इतना प्यार देने के लिए आज हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। ऐसी ही कोई स्टोरी आप लोगों के पास में हो तो आप हमें जरूर ईमेल करिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम अपनी ईमेल आईडी आपको दे देंगे और अगर हमें स्टोरी अच्छी लगेगी तो अपने चैनल पर हम वो वीडियो जरूर बनाएंगे। और अपना प्यार ऐसे देते रहिए। धन्यवाद।